नमस्ते दोस्तों, मेरी अमीर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सूजी ड्राई फ्रूट गुजिया बनाना शेयर करती हूँ। बनाना काफ़ी आसान है और काफ़ी क्रंची और टेस्टी बनके तैयार होता है। सूजी तो अपने घर में होते ही हैं, बस कम या ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज कीजिए और बहुत ही टेस्टी क्रंची गुजिया तैयार करिए। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गुजिया के लिए डो तैयार कर लेते हैं। हमने 300 ग्राम के करीब मैदा लिया है। इसमें मोयन में हमने घी यूज किया है। आप घी या तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसमें मोयन की मात्रा थोड़ा बढ़िया से होना चाहिए, अच्छी तरह से, इसलिए 4 टीस्पून हमने घी यूज किया है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए और मोयन को अच्छी तरह से मिलाते हैं। देखिए, इस तरह का मोयन होना चाहिए जो मुट्ठी बन जाए और अपने आप नहीं टूट पाए। इस तरह का मोयन डालना है हमें। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक मुलायम सा डो तैयार करना है। ज़्यादा कड़क भी डो तैयार नहीं करना और बहुत मुलायम भी डो तैयार नहीं करना। बीच बीच का डो तैयार करना है, जिस तरह से अपन पूड़ी बनाते हैं उस तरह का डो तैयार करना है। ये देखिए, डो तैयार हो गया है। अभी इसे हम ढक के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इस तरह का डो बनाना है हमें। अब इसे ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं और फिलिंग के लिए सामान लेते हैं और फिलिंग बनाते हैं। 4 टीस्पून हमने घी यूज किया है पहले, और बाद में 1 चम्मच और घी यूज करेंगे। और इसमें घी की मात्रा अच्छी तरह से सूजी के अंदर होना चाहिए। और मैंने सूजी एक छोटे से बॉल से लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। इसकी मात्रा 100 ग्राम के करीब है, 100 ग्राम की मात्रा है इसकी सूजी की। और फिर हम इस फिलिंग में सूजी के साथ साथ ड्राई फ्रूट के पाउडर यूज करेंगे। ड्राई फ्रूट को पीस के एक मोटा दरदरा पीस के तैयार किए हैं और उसे इसमें डालेंगे। काजू और बादाम को पीस के तैयार किए हैं और सूजी को अच्छी तरह से भूनते हैं जब तक इसका कलर थोड़ा सा गुलाबी सा कलर हो जाए, जब तक इन्हें भूनते हैं। इसमें थोड़ा सा घी कम है। अब 1 चम्मच घी हमने और यूज किया है। अब इसमें ठीक ठाक घी हो गया है। इसमें थोड़ा घी की मात्रा ठीक ठाक होता है तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, ये भुन गया है। अब ये हमारा काजू और बादाम का पाउडर है जो हम इसमें डाल रहे हैं, किशमिश डाल रहे हैं। और नारियल भी हम इस तरह से मोटा सा दरदरा पीस के डाले हैं और इलायची पाउडर डाले हैं। अब इसे हल्का सा भूनते हैं। गैस तो हमने ऑफ कर दिया है, बस कढ़ाई गर्म है और हमारा सूजी गर्म है। इसके वजह से ये सारे अच्छी तरह से भून भी जाएगा और इसका टेस्ट इसमें अच्छी तरह से आ जाएगा। इलायची का फ्लेवर भी अच्छी तरह से आ जाएगा सूजी के अंदर और ड्राई फ्रूट के अंदर। देखिए, इस तरह से भून गया है। अब इसमें हम शक्कर पाउडर डालेंगे। वो आप अपने स्वाद के अनुसार, जितना मीठा आपको रखना है उस हिसाब से शक्कर पाउडर डालिए। अब इसे मिक्स कर देते हैं। कढ़ाई गर्म है तो इसलिए इसका शक्कर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और स्वाद अच्छी तरह से आ जाएगा सूजी के अंदर और ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा सा फिलिंग तैयार हो गया है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। अब गुजिया तैयार करते हैं। इस तरह के बराबर बराबर मात्रा में गोला बना लेते हैं। अब इसे गोल कर लेते हैं। आप गुजिया मोल्ड से भी बना सकते हैं और बिना मोल्ड का भी बना सकते हैं। अब एक पूरी के आकार से इसे बेल के
पूरी के साइज़ का हमें बेल के तैयार करते हैं। इस तरह से देखिए, और मोल्ड में हमने तेल लगा लिया है। अब इस तरह से इसके ऊपर में फैला देते हैं और फिलिंग को उसमें डालते हैं। और मैदे और पानी का घोल हमने गाढ़ा सा तैयार किया था, उसे इसे साइड में लगा देते हैं ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरह से। और उसके ऊपर से इस तरह से पूरी डालते हैं और इसे अच्छी तरह से पैच करते हैं। और बाहर जो रोटी निकल गया है, जो मैदा का पूरी निकल गया है, उसे हटा देते हैं। अभी देखिए, मेरा गुजिया तैयार हो गया है। इसे हमने मोल्ड से तैयार किया। अब बिना मोल्ड का भी आप बना सकते हैं और बिल्कुल उसी डिज़ाइन का बनेगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब इस तरह से पूरी बना लिए, उसे एक कटोरी से कट कर लिए ताकि ये पूरी का आकार बिल्कुल गोला हो। और इसे मैदे का घोल को साइड साइड से लगा देते हैं, फिलिंग को बीच में डालते हैं और दोनों तरफ से पूरी को उठा के और पैच कर देते हैं। अब देखिए, पूरी तरफ से पैच कर दीजिए इस तरह से और अच्छी तरह से दबा दीजिए। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल दब के बंद हो जाएंगे। अब इस तरह से हमें फोक से इस तरह से दबा दबा के इसमें एक डिज़ाइन बन जाएगा। अब ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का भी बना सकते हैं और दो तीन तरह से मैंने बनाया है, अब इस तरह से बना सकते हैं। अब तेल को गर्म करते हैं हाई फ्लेम पे, फिर उसे लो फ्लेम पे करके और इसे तलते हैं। इसे हल्का गुलाबी होने तक तलना है और फ्लेम को लो रखना है या लो और मीडियम के बीच में रखना है। और इसे काफ़ी क्रंची तैयार करना है। पूरी के अंदर जो पानी की मात्रा है, उसे पूरी तरह से सुखाने में हमें थोड़ा तो टाइम लगेगा और ये क्रंची तैयार हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह से इसे अच्छी तरह से उलटते हुए दोनों तरफ से सेकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छा तैयार होता है। अब सूजी के अंदर तो कोई पानी की मात्रा थी नहीं और ये मावे का गुजिया है नहीं, तो ये काफ़ी टाइम तक लंबा आप रख सकते हैं। इसे आप एयर टाइट डब्बे में रखिए और 15 दिन तक तो आप इसे यूज कर सकते हैं और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आंच को लो ही रखना है। अपने हिसाब से आप गुजिया उसमें ऐड करके और तल सकते हैं, दो पीस, चार पीस, जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से। देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरह का पिंक कलर का बिल्कुल होना चाहिए, बहुत डार्क कलर भी नहीं। और इस तरह का देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है, बिल्कुल सुनहला कलर और बहुत ही बढ़िया टेस्टी गुजिया। और घर के सामानों से तैयार हो गया, मावे का कोई ज़रूरत नहीं और टेस्ट बिल्कुल ही बढ़िया। आप इसे होली पे ज़रूर बनाइए या कभी भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी तैयार होता है।